Hey what's up guys, it's Shubha RJ Devgan. So guys, आज के हमारी जो वीडियो होने वाली है एक प्रोडक्ट रिव्यू है और प्रोडक्ट क्या है पोल न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन प्रोटीन का नाम है नाइट्रो वर्स श्रेड। और गाइस जो लोग कटिंग कर रहे हैं जो लोग फैट बर्न कर रहे हैं उनके लिए वे प्रोटीन है। वैसे तो प्रोटीन प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होता है लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं ऐसा प्रोटीन जो उनकी फैट बर्न में भी थोड़ी हेल्प कर दे तो ये नाइट्रो वर्स श्रेड उसी के लिए है। इसमें थोड़ी ऐसी कम चीज़ें डाली जो आपकी कटिंग में हेल्प करती है। तो अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे व्लॉग्स आ रहे हैं, डाइट वीडियोस आ रही है, वर्कआउट वीडियो आ रही है, देखते रहो, सपोर्ट करो चैनल को। पोल न्यूट्रिशन का मैंने एक पहले भी प्रोटीन का रिव्यू करा था जो कि था पोल न्यूट्रिशन का नॉर्मल वे प्रोटीन। तो यहाँ पर मैं कार्ड में लिंक छोड़ रहा हूँ, वो जाके देख लो वीडियो, उसको आपने बहुत प्यार दिया, 10K व्यूज होने वाले हैं। तो आज जो मैं पोल न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन का रिव्यू कर रहा हूँ वो है नाइट्रो वर्स श्रेड। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है गाइस, अगर आप कटिंग करना चाह रहे हो, फैट बर्न कर रहे हो, ऐसा एक प्रोटीन चाहते हो जो आपको उसमें हेल्प करे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी करे लेकिन साथ में उसमें भी हेल्प करे, तो ये वही प्रोटीन है। अब देखते हैं इसकी पैकेजिंग। एडवांस वेट लॉस फॉर्मूला प्रोटीन, ओके, नाइट्रो वर्स श्रेड 24 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप में आपको इसके 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, जीरो क्रिएटिन। इन्होंने ये फैट लॉस का प्रोटीन बनाया इसलिए क्रिएटिन नहीं डाला इसमें। काफ़ी लोगों को लगता है कि क्रिएटिन से फैट लॉस नहीं होता, वाटर होल्ड करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्रिएटिन का वाटर होल्ड होता है वो मसल के अंदर होता है और जो हमारा बॉडी में फैट वाला वाटर होल्ड होता है वो हमारे फैट्स मसल और फैट जो स्किन थी उसके अंदर होता है, तो उसमें फ़र्क होता है। क्रिएटिन फैट लॉस में मेरे हिसाब से तो हेल्प ही करता है, पर इन्होंने नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से ले लेना। 500 mg एल-कार्निटिन, अब सबको पता है एल-कार्निटिन फैट बर्न करने में हेल्प करता है, तो इन्होंने 500 mg वो डाला जो आपको कटिंग में हेल्प करेगा। 250 mg CLA गुड फैट्स जो आपके फैट सेल्स को रिप्लेस करते हैं, वो भी कटिंग में आपको हेल्प करते हैं, फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं, तो इन्होंने 250 mg CLA भी डाला इसमें। 76 सर्विंग्स, तो गाइस मैं आपको एक बॉक्स में टोटल बॉक्स में 76 सर्विंग मिल जाती हैं। तो सर्विंग साइज एक स्कूप जो इसका है वो 30 ग्राम का है और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे वेइंग स्केल पे भी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आई है। और उसके बाद बात करते हैं फैट्स की, तो एक स्कूप में आपको 2 ग्राम फैट मिलता है, सैचुरेटेड फैट 1 ग्राम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल 50 mg मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्राम मिलते हैं, बहुत ही लो है क्योंकि कटिंग का प्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया फैट बर्न के लिए बनाया प्रोटीन। और गाइस फाइबर 1 ग्राम, शुगर 1 ग्राम, प्रोटीन 24 ग्राम मिल जाता है एक स्कूप में, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है फैट बर्न वाले बंदों के लिए। पोल न्यूट्रिशन वर्ज श्रेड मैट्रिक्स, मतलब है कि इन्होंने ब्लेंड बनाया है पोल न्यूट्रिशन का जो आपको कटिंग में हेल्प करेगा, इस वे प्रोटीन में डाला है जो कि 750 mg का है। उसमें क्या क्या मिलता है आपको, जो मैंने अभी पहले बताया, एल कार्नेटिन और एल टर्टरेट मिल जाते हैं आपको इसमें 500 mg और CLA मिल जाता है 250 mg। तो ये था इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो गाइस इसमें वे प्रोटीन ब्लेंड, हाइड्रोलाइज्ड, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड, आइसोलेट और वे प्रोटीन का इसमें ब्लेंड है। और फ्लेवर के लिए कोकोआ पाउडर यूज किया गया है। सो गाइस ये थी इसकी ओवरऑल पैकेजिंग, पैकेजिंग मेरे को बहुत सही लगी, इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी बहुत सही लगे, फैट बर्न के लिए एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। एक ये वे प्रोटीन आप जरूर यूज करो, अगर फैट बर्न करो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कैसा है, फिर भी एक बार इसको टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा स्कूप है इसका और ये पोल न्यूट्रिशन का ही हमारे पास शेकर है, तो इसमें डाल देते हैं हम। और अब इसकी हम मिक्सिबिलिटी और टेस्ट चेक करते हैं। तो गाइस मिक्सी, सो गाइस इसको शेक कर दिया, जरा मिक्सिबिलिटी चेक करते हैं ग्लास में डाल के कैसी है, फिर ही पता चलेगा इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। तो हमारे पास ये रियल का ग्लास है तो ये मैंने इसमें डाला हुआ है प्रोटीन, तो गाइस मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, थोड़ा सा शेक करने पे बहुत ही स्मूथ प्रोटीन शेक बना, ना ही इसमें बिल्कुल भी झाग बनी है, ना ही कोई लैम्प है, ना ही कोई गांठ है, बिल्कुल स्मूथ शेक है, बहुत ही अच्छी मिक्सिबिलिटी है, नेक्स्ट लेवल। ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे लेवल की मिक्सिबिलिटी है। अब टेस्ट की बात भी कर लेते हैं,
गाइस अगर बात करो इसके टेस्ट की, तो जो पोल न्यूट्रिशन का नॉर्मल वे प्रोटीन है उससे भी नेक्स्ट लेवल अच्छा टेस्ट है इसका नाइट्रोवर्स श्रेड का। अगर आप एक बजट वाइज अच्छा वे प्रोटीन देख रहे हो जो कि आपको फैट बर्न में भी हेल्प करे और मसल बिल्ड कराए, नाइट्रोवर्स श्रेड पोल न्यूट्रिशन का गुड चॉइस। ओके, और गाइस अभी जैसा आप देख रहे हो वे प्रोटीन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये आपके बहुत ही बजट में आता है। ये पोल न्यूट्रिशन ब्रांड है जो काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो और बाहर का भी है, इंडियन में नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वे चैनल पे व्लॉग्स आ रहे हैं, डाइट वीडियोज़ आ रही है, वर्कआउट वीडियोज़ आ रही हैं, सपोर्ट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।